एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों यू आर प्रो। सीधे सीधे बिल्कुल मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि कल मेरा ना गाना जो आया था सिद्धू मूसेवाला जी का, उस पे आप लोग भरपूर प्यार दिखा रहे हो। क्यों? मेरे लिए नहीं, सिद्धू मूसेवाला जी के लिए बिल्कुल। बट और क्या चाहती हूँ मैं, हम बिल्कुल उनसे जुड़े हैं, आर्टिस्ट हम उनसे जुड़े हैं। बट अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मेरे ओपिनियन जो बनते हैं, जो मुझे सही लगता है वो मैं बता देती हूँ, जो मेरे को गलत लगता है मैं तुरंत बोल भी देती हूँ। ऐसे ही मेरे से जुड़े रहना, क्योंकि यार मैं ये रिएक्शन वगैरह ऐसे तो नहीं करती कि मेरे को करना ही है करके, और सबको बताया पैसा वैसा इनसे बनता नहीं है, जिनका क्रेडिट है उनको जा रहा है। बट मैं चाहती हूँ इस चैनल से मैं मिलता क्या है, लोग। और अगर लोग बिल्कुल मन से जुड़े तो फिर उससे बड़ी चीज़ है ही नहीं कोई, और यही इंसान कमा के ले जाता है अपने साथ। तो बस यही चाहिए, आप लोग अगर जुड़ रहे हैं तो जुड़िए। और वैसे भी ये गाने की वजह से नहीं कर रही हूँ कि मैं पिछला गाना आया है करके, नहीं, सिद्धू मूसेवाला जी पर मेरे को रिएक्ट करना ही था। वो गाना तो मैंने अपना ओपिनियन देने के लिए उठाया है, आज मैं प्रॉपर तरीके से रिएक्ट करने वाली हूँ द लास्ट राइड सॉन्ग पे जो इनका आया था। ये गाना ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने किसी ने सुना ही नहीं है, सबने सुना है, बट मेरे को एक रत्ती समझ में नहीं आता था विदाउट मीनिंग। देखो ऐसा नहीं, देखो उठेगा जनाजा मिटिए, ये तो समझ में आ रही है लाइंस, इतना इतना समझ में आ रहा है, बट प्रॉपर तरीके से बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो आज इंग्लिश सबटाइटल की हमने वीडियो उठा ली है, इंग्लिश में भी अपना हाथ तंग ही है जब तक सबटाइटल ना मिले, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर समझ में नहीं आता है, बहुत जल्दी अगर फटाफट बोल गए तो इतनी जल्दी नहीं आएगा। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही है तो अपन हिंदी वासी हैं, बट स्टार्ट करते हैं सबटाइटल के साथ, वो हम आराम से पकड़ लेंगे। तो आ जाओ देखते हैं, फिर से जीते हैं, क्योंकि गाने अमर हैं। कहते हैं ना आर्टिस्ट अमर हो जाता है, कहते हैं कोई अगर किसी चीज़ पर रिकॉर्ड होकर चला गया है तो वो अमर है, और इन्होंने तो खैर क्या क्या नाम बनाया है। तो आ जाओ सुनते हैं फिर से, थोड़ी फिर से गरीबी आते हुए, ब्लूटूथ वाली कहाँ चले गए थे, अब इस पे आ जाते हैं फिर से, और बस हम शुरू कर रहे हैं सॉन्ग, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ा दें, Yo, what's it? Sidhu Moosewala, baby. You just arrived live on the scene. Tell him where you're from, man. Huh? Umar de saab naal tu na rutba, thoda ni o bala ik laki chalda, akhan ch addi koi shay boldi, aive ni koi duniya to aaki chalda, au pichle koi karma da tali lagda, jaabe mere baane ae khwaja mithiye, au chopre de tere utte noor da sada ni e da अब जाके मेरे को समझ में आया यार, मैं इतना बेवकूफ, मतलब ऐसा बेवकूफ वाली बात भी नहीं है यार, मैंने मतलब तो ध्यान से ऐसा नहीं है। देखो स्टोरीज में भी डालती थी पूरा, जब वो पूरा जो सीन हुआ था इनका, एकदम से जो न्यूज आना हर जगह, ये सब चलना, हर इंसान ने शेयर किया था, और मैंने खुद भी लगाया गाना, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा पागल इंसान हूं मैं। और अब समझ में आ रहा है कि लाइट ऑन द गाइज फेस टेल्स यू दैट ही विल हैव हिज फ्यूनरल इन वेरी यंग एज। बाप रे, मतलब मेरी शक्ल का नूर ये बता रहा है कि मेरा जनाजा बहुत बहुत जल्दी एज में उठेगा। यार सब कुछ पता है इंसान को, भाई साहब। बिल्कुल ਹਾਰ
एकदम से क्या हुआ पता है मुझे अभी जब वो ये अभी ये वाला शॉट आया था ना सिर्फ ये जो गाड़ी में ऐसे ऐसे करके जो ये हेड डाउन कर रहे थे भाई साहब मुझे पता है ऐसा लगा ही नहीं कि वो इंसान जैसे चला गया हो ना मतलब मेरे को ऐसा होता नहीं है ऐसे मतलब जनरली कि ऐसे देख रही हूँ तो वो भी दिमाग में रहता ही है कि यार नहीं है वो इंसान लेकिन शायद पता नहीं यार ऐसा जैसे लगा कि जैसे कल स्टिकर्स में से बोल रहे थे ना वो मेरा ना मेरा ना मेरा ना करके और अभी एक झलक से ऐसा लगा पता है एकदम से जैसे इंसान सामने ही हो देखो यार थोड़ा बहुत ना अब एक लाइन बोल देती हूँ जैसे किसी को ये ना लगे कि यार तुम देखो मैं देखा है ना मैं देखो जब बहुत ज्यादा वाइब वाले सॉन्ग होते हैं ना तो मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती हूँ बहुत ज्यादा पागलबंदी हो जाती है मेरी ना सुनते सुनते नाचने लग जाती हूँ और जब ऐसा सॉन्ग आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक उस तरह से बता रही हूँ ठीक है रिएक्शन वीडियो के व्यूज के हिसाब से बता रही हूँ कि मैंने रिएक्ट ही नहीं किया यार लास्ट में तो मैं घुस गई उस वीडियो के अंदर मैंने देखा ही नहीं है कैमरा यार मैंने खुद नहीं सुना है वो गाना मैं आज सुन रही हूँ यार मैं तो मैंने कभी सबटाइटल लेके सुन देखा ही नहीं कि क्या कहना चाह रहे हैं वो गाने में खाली बस वो जो हुक लाइन है इनकी वो मैंने सुन ली और मैं ये सोच रही हूँ कि यार जब ये गाना आया होगा उनकी डेथ के बाद आया था शायद ये गाना तो कैसा रहा होगा लोगों ने मतलब ये क्या ये हर एक एक चीज बोल गए यार जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट कर देता है ना अपनी चीजें ऐसी हर एक बात बोल गए हैं वो कि मेरी फोटो बिकेंगी मेरा ये सब होगा और इतनी जल्दी कोई ग्रेड बनता ही नहीं है अभी बता देती हूँ मैंने इसके बाद कुछ नहीं बोलना मेरे को जो चीज समझ में आई है मैं उसको क्या एक्सप्लेन करूँगा लोग तो आगे ये सब चीजें सुन चुके हैं मैं अब सुन रही हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे इस गाने ने कैसा हिट किया होगा यार जब डेथ के बाद ये गाना आया होगा कि इंसान सब कुछ भूल गया उसे पता है उसके साथ क्या होने वाला है बस ठीक है मेरा रिएक्शन इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हो अगर आप लोग मेरी बात में ऑनेस्टी लगती हो बस क्योंकि ना आजकल हर चीज़ दिखाने के लिए बताना पड़ता है मैं ये चीज़ कर रही हूँ हाँ ये चीज़ कर रही हूँ पहले दिखाओ ये चीज़ कर रहे हो तो ये तुम इतनी एक्साइटेड कैसे हो जाती हो जाता है इंसान यार कोई इंसान खो जाता है इंसान ऐसा होता है तो बस चीज पसंद आती है अगर अगर ऑनेस्टी लगती है बातों पे तो लाइक करना है शेयर करना सब्सक्राइब करना नहीं लगता है तो बस निकल जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है वो बाय टेक केयर एंड टाटा।